यहां पहुंची हरिद्वार गंगा माँ के तट पर संतों का मिला आशीर्वाद। 16 जून को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हंस पावन गंगा घाट हरिद्वार पहुंची संस्कार सेना की 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा। माता पिता सम्मान बुजुर्गों एवं संतों का पूजन कर लिया आशीर्वाद। सर्व श्री 108 वर्षीय संत अमृतपान बाई जी, संत श्री अमर बेला नंद जी, संत श्री चिंदानंद जी, संत श्री दक्षिण आनंद जी, संत श्यामा बाई जी, संत मर्यादा बाई जी, संत कुसुम कुमारी बाई जी ने माता पिता के प्रति संस्कार सेना द्वारा निकाली जा रही यात्रा की सराहना करते हुए आशीर्वचन देकर आशीर्वाद दिया। पावन गंगा घाट पर धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने भी संस्कार सेना द्वारा माता पिता के सम्मान में निकाली जा रही भारत यात्रा की सराहना की। इस अवसर पर श्री प्रेमनगर आश्रम सेवादार सीताराम जी, संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े, राष्ट्रीय सचिव अलका दुर्बे, मीडिया प्रभारी मिश्री लाल कोहरे, भगवान सिंह मीना सहित अन्य धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में श्री प्रेमनगर आश्रम से पवन कुमार जी का विशेष सहयोग रहा। भारत यात्रा जो की 51 दिन के लिए संपूर्ण भारत में जाकर माता पिता के सम्मान के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम कर रही है, और आज हरिद्वार में हम श्री प्रेम नगर आश्रम में यहाँ पर हमें शरण मिली और आदरणीय पवन जी के माध्यम से हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैं पूरे संत गुरु जी सहित संस्थापक आदरणीय जनों का सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और संस्कार सेना की ओर से आदरणीय पवन जी का छोटे से मेडल से सम्मान करना चाहता हूँ। देने के लिए हमारे सौभाग्य है जो गंगा तट पर हमें इनसे आशीर्वाद मिला, हम उनसे जानना चाहेंगे। आदरणीय आए गए हैं वो सभी में जो है वो क्या चीज है, कौन गुरु देता है और किसके द्वारे मिलता है, तो हम संतों का साथ में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे तो गुरु के शरण में जाएंगे। संत ने भगवान से मिला देता है, इसीलिए आप लोग वहाँ पर गुरु महाराज के पहले शरण में जाओ, अपना जीवन में अपने जाओ, अपने बच्चन के लगाओ, पहले आत्मा ज्ञानी गुरु। आप चाहे भोपाल से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से, हमारे जगह जगह है आश्रम गुरु महाराज के, हर जगह कोई ऐसे जगह ना, हम भी उधर प्रचार किए हैं जब उम्र था तब, अब तो यहाँ पर आ गए। भैया गुरु महाराज का कृपा से आशीर्वाद सभी को, गुरु महाराज माता जी का
तरफ से सबको आशीर्वाद आप लोग पर है कि आप लोग आगे बढ़े प्रचार। हम जो माता पिता के देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरिद्वार है और यहाँ पर हरिद्वार की हम हर की पूरी नामक स्थान पर खड़े हैं। यहाँ पर इधर के सामने ब्रह्मकुंड है, अस्सी घाट है और सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर धर्म प्रेमी आए हुए हैं और किस प्रकार से माँ गंगा के घाट पर सभी धर्म लाभ ले रहे हैं, ये हम नज़ारा देखने को मिलता है। इस नज़ारे की कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर दृश्य, माता बहने बच्चे युवा धर्म प्रेमी यहाँ पर माँ गंगा के घाट पर माँ गंगा के स्नान में रमे हुए हैं और एक धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारे सामने एक और से एक सम्मानित साथी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कहाँ पर आदरणीय देशराज शर्मा जी कहाँ से पहुँचे हैं। देखिए देशराज शर्मा जी हैं जो कि शिमला से यहाँ पर आए हैं और हमारी जो संस्कार सेना की माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा आज हरिद्वार में है और हरिद्वार में हर की पूरी चौकी पुलिस जल पुलिस के सामने यहाँ पर खड़ी हुई है और आज हम हमारी जो संस्कार सेना है माता पिता के सम्मान के प्रति जो 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प यात्रा लेकर हरिद्वार पहुँची है और हरिद्वार के जो हरि पौड़ी के स्थान पर है यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक बंधु यहाँ पर उपस्थित है और धर्म प्रेमी माँ गंगा का स्नान करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से आज संस्कार सेना माता पिता के प्रति जो युवा पीढ़ी को माता हम का संदेश के कार्यक्रम के अंतर्गत 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा का आज 32वां दिन है और 32वें दिन यहाँ पर हरिद्वार में है और हरिद्वार में आप जो है हरियाणा से आए हुए हैं और मैं गंगा के दरबार में आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।